मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग का आज से आगाज हो रहा है। सीएम मोहन यादव एमपीएल का शुभारंभ करेंगे। मंत्री सिंधिया और बीसीसीआई सचिव जय शाह भी मौजूद रहेंगे। एमपीएल में इस बार 5 टीमें हिस्सा लेंगी। ग्वालियर चीता मालवा पैंथर खेलेंगी। जबलपुर लायंस और भोपाल लेपर्ड रेवा जागुआर्स भी मैदान में होंगी। दर्शकों के लिए निःशुल्क प्रवेश की सुविधा दी गई है। मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग आईपीएल की तर्ज पर अब एमपीएल होगा। मध्य प्रदेश के क्रिकेट लवर्स के लिए ये बहुत अच्छी और खुशखबरी है कि अब वो निःशुल्क इस ग्राउंड में प्रवेश कर पाएंगे और साथ ही अलग अलग टीमों के बीच मुकाबला भी देख पाएंगे। भोपाल से खबर है जहां भूख हड़ताल पर बैठे एनएसयूआई कार्यकर्ता बरकतुल्ला विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कुलपति के केबिन के बाहर छात्र रात भर प्रदर्शन करते नजर आए। एमफार्मा कोर्स की परीक्षा कराने की मांग चल रही है कि एक साल से नहीं हुई है परीक्षा। कुलपति पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कई आरोप भी लगाए हैं। वहीं शाजापुर में कार में भीषण आग लग गई। आग लगने के समय कार में कोई भी मौजूद नहीं था। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। शहर के पटेल गार्डन के सामने ये घटना हुई है और उस वक्त गनीमत ये रही कि कार में कोई भी मौजूद नहीं था। कार आग के हवाले हो गई। खड़ी कार में अचानक से आग लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। मध्य प्रदेश में मॉनसून का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 3 दिन में एमपी पहुंच सकता है मॉनसून। शहडोल होते हुए राजधानी भोपाल की ओर भी बादल बढ़ेंगे। प्री मॉनसून एक्टिविटी में लगातार तेजी आ रही है और बीते 24 घंटों में 31 शहरों और कस्बों में बारिश हुई है। बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में प्री मॉनसून बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। बारिश का इंतजार करने वालों के लिए यह खुशखबरी है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है मॉनसून को लेकर और अभी मौसम विभाग की तरफ से अनुमान जाहिर किया गया है। बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मॉनसून जैसे ही दस्तक देगा अच्छी खासी बारिश होगी प्रदेश में और गर्मी से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, मॉनसून को लेकर क्या जानकारी? निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश में भीषण बेतहाशा गर्मी पड़ी है और उसके बाद लोग अब राहत की बारिश को की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। अब उनका इंतजार जल्द ही पूरा होगा। मॉनसून का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। 15 तारीख आज है, 18-19 तारीख तक मध्य प्रदेश में मॉनसून के प्रवेश करने की जो जानकारी है वो मौसम विभाग की ओर से दी जा रही है। यानी कि 3 से 4 दिनों का और बस लोगों को इंतजार करना है। लेकिन इस सबके बीच अच्छी खासी प्री मॉनसून एक्टिविटीज जो है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटे की बात करें तो लगभग 31 शहरों में और कस्बों में अलग अलग इलाकों में बारिश की जो बूंदें हैं वो जमकर बरसी हैं और इसके अलावा आंधी तूफान भी कई इलाकों में चला है। बादल जो हैं वो छाए रहे हैं। राजधानी भोपाल में भी इसी तरीके का कुछ मौसम है वो बना रहा है और अब ऑरेंज और येलो अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। यानी कि कई शहरों में आज भी बारिश, पानी, आंधी तूफान, गरज चमक के साथ जो बिजली कड़कने की जो एक्टिविटीज़ हैं वो देखी जाएंगी और 3 दिनों के बाद मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से जो मॉनसून है वो आ जाएगा और फिर धीरे धीरे मॉनसून पूरे मध्य प्रदेश को कवर अप करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा और इस बार सामान्य बारिश का जो अंदाजा है वो मौसम विभाग की ओर से जताया गया है। तो अच्छी बारिश होना जरूरी भी है अंशिका, क्योंकि जब अच्छी बारिश होती है तो जो वाटर बॉडीज होती हैं, चाहे नदियां हों, तालाब हों या ग्राउंड वाटर लेवल की बात करें, तो वो भी रिचार्ज होता है, जिससे आने वाले समय में खासतौर पर गर्मी के सीजनों में पानी की जो आपूर्ति है वो होती है और पानी की कमी जैसी जो समस्या है वो सामने नहीं आती। कृषि के लिहाज से भी अच्छी बारिश होना बेहद जरूरी होता है और ये भी देखने में आया है कि लगातार अच्छी बारिश के लिए अब प्रार्थनाओं के, हवन यज्ञ के जो दौर हैं वो भी शुरू हो गए हैं और उम्मीद भी की जा रही है। प्रचंड गर्मी के बीच लोगों की एक ही आस है कि राहत मिलेगी तब जब बारिश अच्छी खासी होगी और मॉनसून को लेकर काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है, जैसा कि आप जानकारी भी दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया वासु फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए।
दुर्ग की भी बात करेंगे, जहां दुर्ग से खबर है कि बदमाशों ने घर में घुसकर पति पत्नी से मारपीट की है। बदमाशों ने जान से मारने की धमकी तक दी है। आपसी विवाद में मारपीट हुई और भिलाई के रुआबांधा क्षेत्र की घटना है। बदमाशों ने घर में घुसकर पति और पत्नी से मारपीट की और जान से मारने की धमकी तक दी। कोरबा में हाथी का आतंक है। हाथी के आतंक का वीडियो भी सामने आ चुका। दंतैल हाथी ने गांव में घुसकर उत्पात मचाया है। घर के लोग जान बचाकर बाहर निकले। जंगल में घूम रहा 20 हाथियों का दल, ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और हाथियों की निगरानी भी कर रही है। वहीं दुर्ग में लाखों की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। 24 लाख से भी ज्यादा ठगे गए हैं। शेयर ट्रेडिंग और आईपीओ में मुनाफे का लालच देकर ठगी की गई है। दुर्ग में साइबर ठग इन दिनों काफी ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं और ऐसे में ठगी कर रहे हैं। अब लाखों की ठगी की गई है मुनाफे के नाम पर। आईपीओ और शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा के लालच में 24 लाख रुपए ठगे गए हैं। सूरजपुर में स्वास्थ्य विभाग ने जांच अभियान चलाया है। मेडिकल स्टोर और क्लिनिकों की जांच की गई। अभियान के लिए संयुक्त टीम बनी है और 6 मेडिकल स्टोर्स पर संयुक्त टीम ने जांच अभियान चलाया है। अवैध क्लिनिक संचालित करने का आरोप है कुछ क्लिनिक्स पर। संचालक के खिलाफ नोटिस जारी की गई है और सीएमएचओ के निर्देश पर यह जांच अभियान चलाया गया। एक ऐसी लव स्टोरी जिसमें प्रेमिका ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। प्रेमिका का हंगामा और प्रेमी का खौफनाक इंतकाम। प्रेमी अपनी बीवी के साथ मिलकर प्रेमिका की हत्या की साजिश रचता है। 1.5 साल बाद खुला हत्यारे प्रेमी का राज। देखिए आप भी। कातिल बदलता रहे ठिकाना। सरेआम बेइज्जती और इंतकाम। प्रेमी की पिटाई प्रेमिका की जान पर बनाई। प्रेमिका का कत्ल बीवी ने दिया साथ। 1.5 साल बाद खुला राज। प्रेमी की बेइज्जती बदलापुर। 1.5 साल से सीमा खान की मर्डर मिस्ट्री एक रहस्य बनी हुई थी। ग्वालियर की रहने वाली सीमा की लाश मुरैना के सीता बसैया थाना इलाके में मिली, कुतवार डैम के पास। झाड़ियों में लाश की पहचान करना चुनौती था। लाश के फोटो वायरल किए गए, पहचान हुई, लेकिन 1.5 साल से सीमा खान की हत्या का राज ही था। सवाल था कि ग्वालियर की रहने वाली सीमा खान आखिर मुरैना क्यों आई, किसके साथ आई। 1 नवंबर 2022 को लगभग आज से 1.5 साल पहले एक डेड बॉडी मिली थी कुतवार डैम के पास में। वो उस पर से मर्ग कायम किया गया। तमाम समय तक प्रयास करने पर उसकी जो कि चूँकि अज्ञात महिला का शव था, इतना था, उसकी शिनाख्ती के लिए तमाम प्रयास हुआ और विवेचना के दौरान, मर्ग जांच के दौरान ये तथ्य समझ में आया कि ये मृतिका सीमा खान पत्नी अनवर खान है, जो पुरानी छावनी ग्वालियर की रहने वाली हैं। सीमा शादीशुदा थी, जिसके ससुराल वालों ने एक शख्स पर शक जाहिर किया। हैरानी की बात यह थी कि जिस शख्स पर शक जताया जा रहा था उसके घर दबिश तो दी गई, लेकिन वो मिला नहीं। यही बात पुलिस को भी खटक रही थी। इस मामले में एक और हैरान करने वाली बात थी, बार बार वो संदिग्ध ठिकाना बदल रहा था, घर बदल रहा था।
यानी किसी भी घर में आरोपी ज्यादा देर नहीं रुकता। हर दो महीने में अपनी लोकेशन चेंज कर रहा था। उसमें ये पता चला कि एक परिवार लगातार जिसपे संदेह था वो मकान छोड़ के रह रहा है। कभी दो महीने कहीं रहता है, फिर मकान छोड़ देता है, फिर दो महीने कहीं रहता है। तो कुल मिलाकर के फिर वो मुखबिरों से सूचना के आधार पर उन व्यक्तियों को पकड़ा गया। इधर पुलिस को इनपुट मिला कि आरोपी अपने परिवार के साथ मुरैना में आकर रुका है। दबिश दी गई और फिर जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला था। इस कत्ल में आरोपी, आरोपी की पत्नी और बेटा शामिल हैं। और जब पकड़ा गया तो उनने पूरी घटना को बोली। उसमें ये घटनाक्रम निकल के आया कि ये जो मृतिका थी इसके अवैध संबंध मोहल्ले के किसी व्यक्ति के साथ थे, क्योंकि मृतिका भी शादीशुदा थी और जो व्यक्ति है वो भी शादीशुदा था, उसके बच्चे बड़े थे। तो ऐसी स्थिति में जब महिला ज़्यादा दबाव बनाने लगी कि शादी करो मुझसे, तो उस आदमी ने तंग आकर के जो है उसको मना किया और एक दिन वो महिला उसके घर पहुंच गई। वहां जाकर के इसने पूरे मोहल्ले के सामने इसको गाली गलौज की और चप्पल मार दी, तो इससे इसकी बेइज्जती हुई। कत्ल के पीछे की वजह प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा। आरोपी और सीमा खान के बीच अवैध संबंध थे। प्रेमिका ने प्रेमी के घर पहुंचकर उसकी बेइज्जती की, पिटाई की। आरोपी प्रेमी ने पत्नी और बेटे के साथ मिलकर प्रेमिका के कत्ल का प्लान बनाया। सारा वाकया इसके परिवार जनों और बच्चों के सामने हुआ था, तो इन सब ने मिलकर प्लानिंग करके इसको ठिकाने लगाने का सोचा और फिर जो है इसको मार करके लोग जो है कुतवार डैम के पास में ले गए। तो संपूर्ण घटनाक्रम में जो मृतिका है उसका जो प्रेमी जिससे उसके अवैध संबंध थे, वो उसकी पत्नी और उसका बेटा, यानी कि तीन जो है एक ही परिवार के तीन सदस्य इस घटना में शामिल हैं। प्रेमी की बेइज्जती का ये बदलापुर रोंगटे खड़े करने वाला है। मुरैना में अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।